दोस्तों, वेलकम टू एडुचैन पढ़ाई विद आरके। चलो पढ़ते हैं छप्पड़ फाड़ के। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं। हरी सिंह एक चोर था और वह सिर्फ 15 साल का था। 15 साल के होने के बावजूद भी वह एक सक्सेसफुल चोर था। इनफैक्ट हरी सिंह उसका असली नाम नहीं था। पकड़े जाने से बचने के लिए वो हर महीने अपना नाम बदलता रहता था। वो अनिल से पहली बार एक रेसलिंग के मैच में मिलता है। हरी सिंह के काम के लिए अनिल एक परफेक्ट इंसान था, जो दयालु था, सिंपल था और उसका विश्वास जीतना लगभग आसान था। हरी सिंह फिर अनिल के पास जाता है और वो उसे मस्का मारने लगता है। वो उसे कहता है कि आप भी कोई पहलवान से कम नहीं लगते हो। कुछ देर बाद हरी सिंह अनिल से कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। इस पर अनिल कहता है कि पर मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा। फिर हरी सिंह कहता है कि वो उसके घर पर खाने के बदले में काम करेगा और वो ये भी झूठ बोलता है कि उसे खाना बनाना आता है। ये सब सुनने के बाद अनिल मान जाता है और वो उसे अपने घर ले जाता है। उस रात हरी सिंह इतना खराब खाना बनाता है कि अनिल को वो खाना कुत्तों को खिलाना पड़ता है और वो उसे जाने के लिए बोल देता है। फिर भी हरी सिंह वहां से नहीं जाता और वो अनिल को देखकर हंसने लगता है। बाद में अनिल मान जाता है और हरी सिंह को रहने देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। अनिल हरी सिंह को उसका नाम लिखना भी सिखाता था और वो उसे प्रॉमिस करता था कि एक दिन तुम पूरा सेंटेंस लिखना सीख जाओगे और नंबर्स जोड़ना भी सीख जाओगे। हरी सिंह बहुत खुश था और वो जानता था कि कुछ पढ़ाई लिखाई से वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। अनिल के लिए काम करना हरी सिंह को आसान लगने लगा। वो हर सुबह चाय बनाता था, फिर वो बाजार जाता था और उसे हर दिन कुछ पैसों का प्रॉफिट होता था। हरी सिंह को अनिल के बारे में कुछ जानकारी हो गई थी। अनिल एक राइटर था जिसकी उतनी अच्छी सैलरी नहीं थी। अनिल के पास जब कुछ पैसे होते थे तो वो उन्हें सेलिब्रेशन में खर्च कर देता था और जब उसके पास पैसे नहीं होते थे तो वह उधार लेता था, जिसे वह अगले चेक आने पर चुका देता था। एक दिन अनिल घर आता है और उसके हाथ में नोटों का बंडल था जो उसे अपनी बुक बेचने पर मिली थी। वह सेफली अपने पैसों को गद्दे के नीचे छिपा देता है। हरी सिंह को चोरी किए हुए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए उसने अपना मन बना लिया कि वो इन पैसों को चुराएगा। उस रात वो अनिल के बेड के पास जाता है और धीरे से उसके पैसे निकाल लेता है। उसके बाद वो भागने लगता है। वो तब तक भागता है जब तक कि वह एक बाजार के पास नहीं आ जाता जहाँ पर एक स्टेशन था। वह बाजार के सामने रुक जाता है और अपने पैसे गिनने लगता है। उस बंडल में 50 रुपए के 6 नोट थे। वो सोचता है कि वो इन पैसों से कुछ दिनों के लिए एक राजा की तरह रह सकता है। ये सोचते सोचते वह स्टेशन के पास आता है जहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेस बस निकल चुकी थी। वो दौड़कर ट्रेन पकड़ सकता था पर वो ऐसा नहीं करता है। हरी सिंह वहीं पर खड़ा रहा जब तक कि ट्रेन ना चली गई। वो अब बिल्कुल अकेला था और कहीं जा भी नहीं सकता था। वो अनिल के बारे में सोचता है और उसके घर के बारे में सोचता है, जो एक ही जगह थी जहां पर वो जा सकता था। हरी सिंह के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो चलते चलते एक मैदान के पास आ पहुंचता है। फिर वो एक बेंच पर बैठकर अनिल के बारे में सोचने लगता है। उसे पता था कि अनिल को बुरा लगेगा, इसलिए नहीं क्योंकि उसके पैसे चोरी हो गए थे, पर इसलिए क्योंकि हरी सिंह ने उसका भरोसा तोड़ा था। जल्दी ही बारिश होने लगती है और हरी सिंह भीग जाता है, इसलिए वह बाजार की तरफ भागने लगता है। वो अपने पैसे निकाल कर गिनने लगता है और उन पलों को याद करता है जो उसने अनिल के साथ बिताए थे। तभी उसे याद आता है कि अनिल ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा। फिर वो सोचता है कि वो जब पढ़ लिख लेगा
तो वह चोरी किए हुए पैसों से भी ज्यादा कमा पाएगा। भले ही चोरी करना आसान हो, पर पढ़ लिख कर एक इज्जतदार आदमी बनना बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हरी सिंह अनिल के पास वापस चला जाता है और उन पैसों को उसके गद्दे के नीचे फिर से रख देता है। दूसरे दिन जब हरी सिंह सोकर उठता है तो वो देखता है कि अनिल चाय बना रहा था। उसके बाद अनिल हरी सिंह को 50 रुपए का नोट देता है उसके सैलरी के तौर पर और कहता है कि आज हम पूरा सेंटेंस लिखना सीखेंगे। हरी सिंह को महसूस हो गया कि अनिल को सब कुछ पता चल गया है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलेगा। अनिल को देखकर हरी सिंह हंसने लगता है और वो सच्ची हंसी थी।